ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांगड़ा के ही नहीं अभी तो देश भर में सबसे दुर्गम पंचायत बड़ा भंगाल के करीब 8 से 10 दर्जन से अधिक मतदाताओं के लिए बड़ा भंगाल के मिडिल स्कूल में पोलिंग बूथ की स्थापना की गई है। जिला कांगड़ा ही नहीं अपितु देश भर में सबसे दुर्गम पंचायत माने जाने वाली बड़ा भांगल के करीब 8 से 10 दर्जन से अधिक मतदाताओं के लिए बड़ा भांगल के मिडिल स्कूल में पोलिंग बूथ की स्थापना की गई है। लोकसभा चुनावों में अपने मत का प्रयोग करने के लिए बड़ा भांगल में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र भी स्थापित किया है। हिमालय की धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच 7400 फीट की ऊंचाई पर स्थित बड़ा भांगल के 72 किलोमीटर की दुर्गम रास्ते को तय करने के लिए जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन 72 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर की करने के लिए चुनाव आयोग ने 32 किलोमीटर का सफर कम करने के लिए बाया चंबा होकर 250 किलोमीटर का रास्ता गाड़ियों से तय किया, ताकि 32 किलोमीटर का पैदल रास्ता कम हो सके। बड़ा भांगल में 2012 के विधानसभा चुनावों में पहली बार मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए और 2019 के चुनावों के लिए मतदान केंद्र स्थापित होते रहे हैं। 1611 पोलिंग बूथ है और 2 ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ है। 1 ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ जो है वो बड़ा बंगाल क्षेत्र में बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़ा बंगाल जो है वो हमारे देश का अति दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे 100 से 150 वोटर्स जो है वो वोट कास्ट करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बड़ा बंगाल ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन में मैन्युअली स्टाफ सेलेक्ट करने का अनुरोध किया था, जो उन्होंने हमारा माना। और साधारणतः पोलिंग पार्टी जो है वो पोल से 2 दिन पहले जाती है, लेकिन बड़ा बंगाल के लिए हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं हमने उनको 5 दिन पहले ही बुला लिया था और वो पिछले कल यानी कि 15 मई को बड़ा बंगाल के लिए बाई रोड रवाना हो गई हैं। पिछले कल वो रात को चंबा पहुंच गए थे, आज वो होली पहुंचेंगे और कल वो ऑन फुट होली से बड़ा बंगाल के लिए तकरीबन 40 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको पैदल तय करेंगे। कल शाम तक जो है वो बड़ा बंगाल में पहुंच जाएंगे। तो एक 18 सदस्यीय दल जो है वो हमने पूरे चुनाव की प्रक्रिया बड़ा बंगाल में करवाने के लिए भेजा है। इन सब तमाम जो सदस्य हैं इनका हमने मेडिकल भी करवाया, सो दैट कि ये मेडिकली फिट लोग ही वहां पर जाएं। इनके साथ 5 वोटर्स भेजे हैं, 2 पुलिस पर्सनल हैं और एक टीम जो है वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट की भी उनके साथ गई है।